नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 20 ब्लू चिप कंपनी अलग अलग सेक्टर से, जिसमें इन्वेस्ट करके आप इजीली लॉन्ग टर्म में पैसा बना सकते हैं। दोस्तों, रुपया बनाना स्टॉक मार्केट में बहुत ही बहुत आवश्यक है। जब आप एक बार रुपया बनाने लगेंगे तो फिर आपका माइंड सेट जो है वो खुद ब खुद डेवलप होने लगेगा, जिससे आप ट्रेडिंग में जो स्विंग ट्रेडिंग है, पोजिशनल ट्रेडिंग है, इंट्राडे है, सब चीज़ धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो सबसे पहले आपको जो है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए सीखिए, और वो भी ब्लू चिप कंपनी में, क्योंकि ब्लू चिप कंपनी में आपका इन्वेस्टमेंट जो है सेफ रहता है। फिर आप उधर जो शॉर्ट टर्म में आप जिसमें स्मॉल कैप में हो, मिड कैप में हो, जिसमें भी इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं जब आप सीख जाएंगे। ब्लू चिप कंपनियां सीखने के लिए काफ़ी बेहतरीन है। अगर आपको सेफ रहना है, एकदम अपने रुपया को सेफ रखते हुए अर्न करना है स्टॉक मार्केट से, तो ये सब ब्लू चिप कंपनियां जो है आपके लिए बहुत ही बहुत बेहतरीन हो सकती है। इसमें हम 20 कंपनियां बताएंगे, जिसमें से आपको 5 कंपनियां जो है कमेंट बॉक्स में बतानी है कौन सी 5 कंपनियां आपको बेस्ट लगती है। तो रिटर्न दिखाएंगे चार्ट पर, जो चार्ट है लॉन्ग टर्म का, उस चार्ट पे कौन कंपनियां कितनी बेहतरीन रिटर्न दी है, उसमें से 5 कंपनियां आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। अलग अलग सेक्टर से कौन सी 5 कंपनियां आपको सबसे टॉप कंपनी लगती है। तो दोस्तों, पहला जो हमारा है वो है स्टॉक मार्केट का राजा, मतलब इसे राजा कहा जाता है, क्योंकि ये चलता है तो हमारा स्टॉक मार्केट चलता है। जब ये गिरता है तो स्टॉक मार्केट हमारा गिरता है, क्योंकि अकेले रिलायंस का वेटेज 12% है, उसके बाद HDFC बैंक का 10% है। तो अभी रिलायंस में देख सकते हैं काफ़ी तेज़ी है, तो पूरे स्टॉक मार्केट में काफ़ी तेज़ी है। मतलब हमारा जो इंडेक्स है निफ्टी, उसे ये मोमेंटम देता है, क्योंकि 12% वेटेज इसी का है। जब जब रिलायंस में गिरावट होगी तो आप मैक्सिमम चांस है 60% से ज़्यादा का कि निफ्टी भी गिरेगा जब रिलायंस गिरेगा। तो इसमें आप देख लीजिए वन डे में रिटर्न कितना है, 3.59%। फाइव डे में देख लीजिए, फाइव डेज में रिटर्न कितना है, यहाँ से देख लीजिए 12%। फिर यहाँ पर वन मंथ में रिटर्न देख लीजिए, वन मंथ में भी काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा, 20%। फिर सिक्स मंथ में देख लीजिए रिटर्न, तो सिक्स मंथ में भी आपको अच्छा रिटर्न देखते हैं, 37%। मतलब जितने समय में आप देखेगा सब में पॉजिटिव रिटर्न। यहाँ पर देख लीजिए एयरटेल डेट में तो भी पॉजिटिव रिटर्न 38%। आप जितना समय में देखिए रिलायंस में, आप कभी भी, तो यही कहते हैं ब्लू चिप कंपनियां सेफ होता है। आप किसी भी प्राइस पर इन्वेस्ट किए, लॉन्ग टर्म में आपको ये पॉजिटिव रिटर्न ही देगा। देख सकते हैं यहां से 66% रिटर्न। फाइव ईयर्स में देख लीजिए, फाइव ईयर्स में 318% रिटर्न। मैक्सिमम ईयर में आप देखेंगे जब तक का चार्ट है यहां पर, तो चार्ट यहां उपलब्ध है आपको 2002 से अभी तक का, तो 3816%, तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है। तो ऐसे ही अगर आप रिटर्न कमाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में सेफ रहते हुए, तो ये 20 स्टॉक्स आपके लिए काफ़ी बेहतरीन है। ये जो 20 स्टॉक की लिस्ट है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप सुरक्षित रखते हुए इन ब्लू चिप कंपनियां से स्टॉक मार्केट से रुपया अर्न करना चाहते हैं। तो पहला हो गया हमारा रिलायंस, दूसरे नंबर पर हमारा इस लिस्ट में है इन्फोसिस। 20 कंपनियों की लिस्ट है, कोई भी स्टॉक आगे पीछे हो सकता है, 20 कंपनी का लिस्ट हमने लिया है। ये 20 कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, एक ज़्यादा भी हो सकता है, एक दो। तो यहाँ पर इन्फोसिस भी बेहतरीन है। इसे भी आप जब भी देखिएगा, वन डे में तो ये डाउन है, लेकिन फाइव डेज में देखिएगा तो भी अच्छा रिटर्न है। फाइव डेज में देख लीजिए, फाइव डेज में 0.78%। वन मंथ में देखिएगा उसमें भी पॉजिटिव रिटर्न, वन मंथ में देख लीजिए 27.60% का पॉजिटिव रिटर्न। सिक्स मंथ में देख लीजिए उसमें भी पॉजिटिव रिटर्न, सिक्स मंथ में देख सकते हैं 16.42%। आप यहां पर एयरटेल डेट में देख लीजिए, एयरटेल डेट में भी आपको पॉजिटिव रिटर्न, एयरटेल डेट में 23.67%। वन ईयर में देख लीजिए, वन ईयर में भी पॉजिटिव रिटर्न, वन ईयर में 15.89%। उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए फाइव ईयर्स में भी पॉजिटिव रिटर्न, फाइव ईयर्स में भी पॉजिटिव रिटर्न 67.57% का रिटर्न। उसके बाद मैक्सिमम ईयर में देख लीजिए, मैक्सिमम ईयर में भी पॉजिटिव रिटर्न, तो मैक्सिमम ईयर में देख लीजिए उसमें भी पॉजिटिव रिटर्न आपको 6645%। तो देखते हैं उससे भी ज़्यादा होगा, यहाँ पर हमारा कर्सर नीचे ही रह गया था, यहाँ पर देख लीजिए ऊपर तक ले जाते हैं, तो ये तो 7762%, मतलब 8000% तक के पास जा चुका है ये रिटर्न। और ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा बोनस भी देती है इन्फोसिस, तो और भी समझ सकते हैं, आपको शेयर भी आपका मल्टीप्लाई होगा और शेयर का प्राइस भी आपका लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो एक साथ दोनों काफ़ी बेहतरीन, मतलब ये शेयर है। तो ऐसे ही शेयर में आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो आपको 20 कंपनियां बताना है,
टॉप 5 कंपनी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस 20 कंपनियों में टॉप 5 कंपनी आपको कौन सी लगती है, ताकि जो कमेंट बॉक्स में पढ़ता है हमारे जो अभी नए इन्वेस्टर आते हैं, तो जो नए लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं, वो सीख सके इन 20 कंपनियों में टॉप 5 कंपनी कौन सी है। तो जिन्हें भी इन्वेस्ट करना है टॉप 10 कंपनी चुन लीजिए, टॉप 5 चुन लीजिए, उसमें इन्वेस्ट कीजिए। हम 20 स्टॉक्स आपको बता रहे हैं अलग अलग सेक्टर से। अगला कंपनी हमारा ICICI बैंक। दोस्तों ये भी कंपनी काफ़ी बेहतरीन है और लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देगा। इसका भी देख लीजिए चार्ट आपको कितना बेहतरीन दिखेगा। देखते हैं जब भी गिरावट आया काफ़ी तेज़ी से ये भी स्टॉक रिकवर किया। अभी 6 मंथ में देखेगा तो काफ़ी डाउन है, मतलब काफ़ी आपको नीचे के प्राइस मिल रहा है। 1 ईयर में भी देखेगा काफ़ी नीचे के प्राइस पर आपको मिल रहा है। 5 ईयर्स में देखेगा तो भी आपको देखते हैं काफ़ी नीचे के प्राइस पर ये मिल रहा है। मतलब ये काफ़ी स्टॉक जो है अंडर एस्टिमेट कर दिया गया है ये ICICI बैंक, जबकि काफ़ी बेहतरीन बैंक है जो कि आने वाले समय में आपको काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। अगर लॉन्ग टर्म में देखिएगा तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देख सकते हैं आप यहां से। 9000% का रिटर्न आपको रिलायंस जो है मात्र 4000 के आसपास दे रहा था, ये 9000। इन्फोसिस आपको 8000 मात्र दे रहा था, ये देख सकते हैं 9000, जबकि इतना गिरावट में। अगर आप यहाँ पर इसके हाई प्राइस पर देखेगा तो 12000 से भी अधिक का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को। तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है, तो इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला स्टॉक्स है हमारा, अगला है HDFC बैंक। और यहाँ पर आप सारे स्टॉक का जो करेंट प्राइस है उसको पढ़ते जाइएगा। इस वीडियो में हम ये नहीं बता रहे हैं आपको किस प्राइस पे इसमें इन्वेस्ट करना है। आप देख ही रहे कि किसी भी प्राइस पे इन्वेस्ट कीजिए। अभी मार्केट 11000 पहुंच चुका है, तो थोड़ा सा मार्केट काफ़ी मोमेंटम पकड़ चुका है। अगर आपको मार्केट 10000 के लेवल पर मिल जाता है जरूर इन्वेस्ट करनी चाहिए। अगर आप यहां से 12000 चला जाता है मार्केट, तो फिर यही सारे स्टॉक के प्राइस जो काफ़ी ऊपर चले जाएंगे। तो ये सब बातों को आपको ध्यान रखना है। जैसे निफ्टी में करेक्शन आता है तो वहाँ पर आप इन्वेस्ट करेंगे तो सारे स्टॉक में करेक्शन आते हैं, कुछ स्टॉक को छोड़कर। जब करेक्शन आएगा तो सारे स्टॉक लगभग जो है करेक्ट होते हैं, कुछ स्टॉक को छोड़ दिया जाए तो उन स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उस समय जब करेक्शन आता है। तो इसलिए हम इसमें स्टॉक का प्राइस की बात नहीं करते हैं, क्योंकि अलग अलग जो वीडियो बनाते हैं तो उसमें हम स्टॉक के प्राइस बनाते हैं, मतलब स्टॉक के लेवल्स और टारगेट की बात करते हैं। इसमें 20 स्टॉक से अगर सारे के लेवल्स टारगेट की बात करेंगे तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अगला है हमारा HDFC बैंक। ये भी स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन, आप 1 मंथ में रिटर्न देख लीजिए काफ़ी बेहतरीन। तो 6 मंथ में देखिएगा तो काफ़ी डाउन है, 1 ईयर में देखिएगा तो भी डाउन आपको मिलेगा, मतलब काफ़ी नीचे के प्राइस अभी भी आपको ये मिल रहा है। देख सकते हैं 1 ईयर में भी काफ़ी डाउन, 5 ईयर्स में देखिएगा तो ये काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है 5 ईयर्स में। अभी भी ये ICICI बैंक नहीं दे रहा था, लेकिन ये बैंक अभी भी 103% का रिटर्न दे रहा है इतना डाउन होने के बावजूद। तो उसके बाद मैक्सिमम ईयर देखिएगा तो काफ़ी बेहतरीन, मैक्सिमम ईयर में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है, 20000% का रिटर्न देख सकते हैं, 20000% का रिटर्न, तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है। तो ऐसे ही स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए जो कि काफ़ी बेहतरीन रिटर्न आगे भी चल करके आपको दे सकता है। साथ ही साथ और सारे बैंक है, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, फेडरल बैंक, जो नया में फेडरल बैंक है आपको 50 रुपीज़ का स्टॉक्स है, तो इन सारे स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जो भी अच्छा लगे। तो बैंक में भी और भी कई सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं। उसके बाद अगला कंपनी है हमारा इस लिस्ट में टाइटन। टाइटन काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है, इसके जो बिजनेस है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाले, इनके बिजनेस काफ़ी लॉन्ग रन मतलब काफ़ी लंबे समय में चलने वाले हैं। तो टाइटन ये भी स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन, ये भी देखिएगा अभी काफ़ी डाउन आपको मिल रहा है, अभी तो ये 1 मंथ में देखिएगा काफ़ी मतलब रिकवर कर चुका है प्राइस, लेकिन 6 मंथ में देखिए काफ़ी डाउन है, अभी भी आपको काफ़ी नीचे के प्राइस पर ये स्टॉक्स मिल रहा है। 1 ईयर में देखिएगा तो भी काफ़ी डाउन है, 5 ईयर्स में देखिएगा तो देखिए कितना बेहतरीन रिटर्न दिया है 5 ईयर्स में, मैक्सिमम ईयर में देखिएगा तो भी देखिए काफ़ी बेहतरीन रिटर्न, मैक्सिमम ईयर देखिएगा काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है ये सारे स्टॉक, 24000% का रिटर्न, तो समझ जाइए कितना बेहतरीन रिटर्न है। अगला स्टॉक है हमारा ITC लिमिटेड। ITC ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है, लेकिन कई सालों से ये भी अंडर परफॉर्म है, लेकिन आने वाले समय में ये काफ़ी बेहतरीन कर सकता है, क्योंकि ये कंपनी जो अपना कोर बिजनेस है सिगरेट का वो तो कर ही रही है, साथ साथ ये FMCG में भी है, एक ग्रुप बिजनेस में भी है, साथ साथ स्टेशनरी बिजनेस में भी है। तो समझ सकते हैं इनके जो प्रोडक्ट है काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, मतलब अलग अलग सेक्टर्स में इनके प्रोडक्ट लीड कर रहे हैं मार्केट को।
तो इसलिए आने वाले समय में ये काफ़ी अच्छा कर सकता है ये स्टॉक्स। तो अभी देखिएगा वन ईयर टिल डेट में तो काफ़ी नीचे मिल रहा है, वन ईयर में देखिएगा उसमें भी काफ़ी नीचे मिल रहा है, फाइव ईयर्स में देखिएगा उसमें भी देखिए काफ़ी नीचे मिल रहा है ये स्टॉक्स आपको काफ़ी नीचे के प्राइस पर। मैक्सिमम ईयर में बात कीजिएगा तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है, यहाँ से देख सकते हैं 1000% का रिटर्न। अगर यहीं करेक्शन से पहले की बात करें तो देख सकते हैं 1649% का रिटर्न दिया, और ये शेयर काफ़ी अच्छा बोनस देती है आपको, काफ़ी अच्छा बोनस देती है, और डिविडेंड देख सकते हैं 5% का डिविडेंड यील्ड है, तो डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी शानदार है, तो हर तरह से ये भी स्टॉक्स बेहतरीन है। उसके बाद अगला स्टॉक से हमारा हेवेल्स, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, ये भी आपको काफ़ी नीचे के प्राइस पर मिल रहा है। अगर आप वन मंथ की बात करें तो वन मंथ में काफ़ी रिकवर कर चुका है प्राइस, सिक्स मंथ में बात करें देख सकते हैं काफ़ी नीचे के प्राइस पर आपको मिल रहा है। ये स्टॉक्स हुआ करता था 646 का, भी 600 पर आपको मिल रहा है। ईयर टिल डेट में बात करें तो भी देख सकते हैं ये स्टॉक्स आपको 660 प्राइस पर था, तो ये स्टॉक भी आपको अभी 50 नीचे मिल रहा है इसका जो मैक्सिमम प्राइस था इस साल का। अगर उससे बात करें तो दो तीन साल से ये स्टॉक्स काफ़ी अंडर परफॉर्म रहा है, ये देख सकते हैं काफ़ी, ये 800 के आसपास ये स्टॉक्स चला करता था, वहाँ से अभी आपको 600 पे ये मिल रहा है, तो ये भी स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन लॉन्ग टाइम में देखिएगा काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया इन्वेस्टर को। अगर हम बात करें इससे मैक्सिमम प्राइस पर देखते हैं 41000% का रिटर्न, अभी भी ये दे रहा है 31000% का रिटर्न, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है ये भी। अगला है हमारा इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड, ये भी बेहतरीन स्टॉक्स है, ये भी स्टॉक देखिएगा काफ़ी आपको नीचे के प्राइस पर मिल रहा है, ये देख सकते हैं ये इस स्टॉक का प्राइस था 447 रुपीज़, और वहाँ से आपको काफ़ी नीचे के प्राइस पर मिल रहा है। सिक्स मंथ में देख लेते हैं तो देख लीजिए 522 रुपीज़ के प्राइस पर था, वहाँ से काफ़ी इसमें गिरावट आया था, देखते हैं गिरावट जब आया था ये 300 रुपीज़ पर मिल रहा था, वहाँ से काफ़ी तेज़ी से रिकवरी आया, तो जो भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं वो काफ़ी नीचे आ जाता है प्राइस, तो वो रिकवरी भी उतनी ही तेज़ी से होगा। तो ये होती है ब्लू चिप कंपनियाँ, या कहें जो भी जिसके भी प्रोडक्ट अपने सेक्टर में लीड करता है उन कंपनियों के जो कि लगातार प्रॉफिट में करते हैं, तो प्राइस में फॉल आया तो रिकवरी भी उतनी ही फास्ट होगी। अब यहाँ पर देख लीजिए वन ईयर में अभी भी काफ़ी पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, फाइव ईयर्स में देखिएगा तो भी चार्ट कितना बेहतरीन है। ऐसे ही चार्ट हम पसंद करते हैं जो कि लगातार अप ट्रेंड में हो, ऐसे नहीं चार्ट कि जो काफ़ी ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया नीचे गया जिसमें मतलब रिकवरी हो ही नहीं रहा है। तो इस सब स्टॉक में देखते हैं जब भी गिरावट आएगा तो देखिए रिकवरी भी बहुत ही फास्ट होती है, यहाँ पर गिरावट आया रिकवरी काफ़ी फास्ट हुआ, फिर से गिरावट आया फिर से रिकवरी इसमें फास्ट होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए मैक्सिमम ईयर में चार्ट कितना बेहतरीन है, मैक्सिमम ईयर में रिटर्न भी काफ़ी बेहतरीन देख सकते हैं 2786% का रिटर्न, तो काफ़ी बेहतरीन है। गैस में और भी है जैसे महानगर गैस, गुजरात गैस, इन सारे स्टॉक्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं अगला जो हमारा है महानगर गैस ही है, तो ये जो स्टॉक्स है इस पे पैंडेमिक का कोई असर खास पड़ने वाला नहीं है क्योंकि इसके बिजनेस अभी भी चालू हैं आगे भी रहेंगे, तो थोड़ा बहुत फर्क हर स्टॉक पे पड़ेगा लेकिन इन सब स्टॉक्स का बिजनेस जो है काफ़ी कम प्रभावित होगा। ये भी स्टॉक देखिए काफ़ी नीचे के प्राइस पर आपको मिल रहे हैं, ये भी स्टॉक्स लगभग 1100 का हुआ करता था, अभी आपको मिल रहा है 1030 रुपीज़ के प्राइस पर, देख सकते हैं यहाँ पर 1200 का हुआ करता था, देख सकते हैं यहाँ पर 2020 के जनवरी में ये 1200 का हुआ करता था, वहाँ से काफ़ी गिरावट आया देख सकते हैं, और रिकवरी भी उतनी ही फास्ट आया। फाइव ईयर्स में देखेगा तो भी बेहतरीन रिटर्न, मैक्सिमम ईयर देखेगा तो भी बेहतरीन, मतलब ये 2017 में ही कंपनी लिस्ट हुआ है तो ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है, 2016 में लिस्ट हुआ है तो 2016 में लिस्ट हुआ है ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है, तो ये सारे स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है। उसके बाद अगला हमारा स्टॉक्स है बजाज फाइनेंस, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। आप इस स्टॉक में देखिएगा काफ़ी गिरावट आया था, लोग बहुत सारे र्यूमर फैलाते थे कि अब ये स्टॉक्स रिकवर नहीं कर पाएगा, इस स्टॉक में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन इस स्टॉक में जितनी गिरावट आया रिकवरी भी उतनी ही फास्ट आया। अगर आप देखिएगा ईयर टिल डेट में देख सकते हैं काफ़ी स्टॉक्स नीचे आ चुका था, 1800 रुपये का ये स्टॉक्स हुआ करता था, वहाँ से देख सकते हैं आप ये काफ़ी ऊपर आ चुका है। अब यहाँ पर देख लीजिए इसका प्राइस 3400, लगभग डबल हो चुका है, मतलब 90% रिकवर कर चुका है ये स्टॉक जहाँ से गिरावट आया था वहाँ से, तो काफ़ी फास्ट रिकवरी हुआ इस स्टॉक में। इस स्टॉक का चार्ट देखिएगा फाइव ईयर्स में अभी भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दे रहा है, मैक्सिमम ईयर में बात कीजिएगा तो भी देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दे रहा है।
तो ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें गिरावट तो होगी लेकिन रिकवरी भी उतनी ही फास्ट होती है। तो ये सारे काफी बेहतरीन स्टॉक्स है, काफी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है। बजाज फिनसर्व ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक, इसमें भी काफी गिरावट आया था, देखते हैं गिरावट काफी 4000 के आसपास ये स्टॉक्स मिलता था, वहां से आप देखते हैं ये आ चुका है अभी 6394 रुपीज पर, 2300 रुपया का मतलब इसमें रिकवरी हो चुका है, क्योंकि ये स्टॉक्स पहले 10,000 रुपीज का हुआ करता था। तो देखते हैं लॉन्ग टर्म का चार्ट देखिएगा, वो भी बेहतरीन, आप जब भी चार्ट देखें काफी बेहतरीन, बस इसी पैंडेमिक में इतनी गिरावट आया है इस स्टॉक में, तो ये भी स्टॉक्स काफी बेहतरीन है। उसके बाद अगला स्टॉक से हमारा पिडलाइट इंडस्ट्री, फेविकॉल आपने यूज़ किया होगा, इसके जो प्रोडक्ट हैं मार्केट में पूरी तरह से लीड करते हैं, कोई भी इसके प्रोडक्ट को टक्कर देने वाली दूसरी कंपनी नहीं है। तो समझते हैं जिस कंपनी का मोनोपोली वाला बिजनेस हो वो कंपनी आगे चल करके बेहतरीन करेगी, निश्चित है कि मार्केट में ये काफ़ी बेहतरीन करने वाली है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए वन मार्केट में काफ़ी यहाँ पर 1440 रुपया ये चला गया था, वहाँ से काफ़ी नीचे आया है, तो यहाँ पर सिक्स मंथ में देखिएगा तो अभी भी स्टॉक्स डाउन है, एयरटेल देखिएगा तो भी प्राइस नीचे है, वन ईयर में देखिएगा तो वन ईयर में भी रिटर्न दे रहा है, वन ईयर में भी ये पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, और फाइव ईयर्स में देखिएगा तो काफ़ी बेहतरीन चार्ट है, देख सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म ये सारी ब्लू चिप कंपनियाँ जो होती हैं मतलब जो सिचुएशन है उसके कारण तो थोड़ा बहुत गिरावट आते रहेगा, लेकिन लॉन्ग टाइम में ये जो स्टॉक्स है काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देंगे आपको, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट हैं वो मार्केट में पूरी तरह से लीड करते हैं, जिसे मार्केट में कोई टक्कर देने वाला नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म चार्ट में कितना बेहतरीन स्टॉक्स ने रिटर्न दिया है, 21,000% का रिटर्न, यहाँ पर देख सकते हैं आप 21,000%, उससे भी अधिक कहिए 22,000%, अगर यहाँ पर गिरावट से पहले पैंडमिक से पहले की बात करें तो ये 25,000% तक का रिटर्न दे रहा था अपने इन्वेस्टर को। इसके लेवल्स और टारगेट हम अलग अलग वीडियो में जब इंडिविजुअल वीडियो बनाते हैं तो बताते रहते हैं, तो उन सब वीडियोज़ को देखना मत भूलें, तो ताकि आपको लेवल्स और टारगेट पता चलता रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए किस लेवल्स और टारगेट पर आपको इन्वेस्ट करनी है। अगला है हमारा एशियन पेंट, ये भी एक बेहतरीन स्टॉक है एशियन पेंट, आप जब भी पेंट बाय करने जाएंगे तो निश्चित है कि एशियन पेंट के प्रोडक्ट आपको हर दुकान में देखने मिलेंगे, साथ ही साथ दूसरे पेंट के भी स्टॉक्स हैं जैसे बर्जर पेंट, वो भी बेहतरीन है, अगर आप एशियन पेंट पर नहीं चाहते हैं तो बर्जर पेंट भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें कर सकते हैं, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, क्योंकि इसके भी प्रोडक्ट मार्केट में मतलब काफ़ी मतलब वैल्यू प्रोवाइड करता है, काफ़ी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट को लीड करता है। और जो पांच स्टॉक्स है आपको इन 20 स्टॉक के लिस्ट में पांच स्टॉक कमेंट बॉक्स में बताना है, कौन सा पांच स्टॉक आपको सबसे बेहतरीन लगता है, आप देख लीजिए वन ईयर में भी ये पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है इतनी गिरावट के बाद, फाइव ईयर्स में देखिएगा देखिए चार्ट कितनी बेहतरीन है। तो इन सब कंपनियों में थोड़ी बहुत गिरावट जो है जो सिचुएशन होता है हमारा उसके अनुसार होती रहता है, लेकिन रिकवरी भी उतनी ही फास्ट होती है इन सब स्टॉक में, अब मैक्सिमम मेयर में देखिएगा तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न, ऐसे ऐसे स्टॉक्स आपको देखिए 14,000% का रिटर्न, 14,000% का रिटर्न दिया है, मतलब आपका जो रुपया है उसको 144 गुना कर दिया, अगर आपने उस इसमें 1,00,000 रुपया मात्र लगाया होता तो ये आपके 1,00,000 रुपया को बना देता 145,00,000, तो समझते हैं 1,00,000 रुपया आपका 1,45,00,000 हो जाता, तो इतना बेहतरीन स्टॉक्स है ये। उसके बाद अगला है हमारा जुबलेंट फूड, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक, वन मंथ में देखिएगा तो फ्लैट है, एयरटेल डेट में देखिएगा तो काफ़ी गिरावट पे स्टॉक मिल रहा है अभी भी आपको, वन ईयर में देखिएगा तो काफ़ी पॉजिटिव रिटर्न, फाइव ईयर्स में देखिएगा तो भी पॉजिटिव रिटर्न, मैक्सिमम ईयर में देखिएगा तो भी काफ़ी पॉजिटिव रिटर्न, तो ये सारे स्टॉक जो है काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है, ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने से कभी मत चूकिए, ज़रूर से ज़रूर इन सारे स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। अगला है उसके बाद हमारा डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, ये भी बेहतरीन स्टॉक्स है, ये भी कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, सिक्स मंथ के रिटर्न देखिएगा पॉजिटिव, एयरटेल डेट में देखिएगा पॉजिटिव, वन ईयर में देखिएगा तो भी पॉजिटिव रिटर्न, फाइव ईयर्स में देखते हैं तो फाइव ईयर्स में ये देख सकते हैं फ्लैट है फाइव ईयर्स में, क्योंकि फार्मा सेक्टर 2-3 सालों से काफ़ी अंडर परफॉर्म था, फिर मैक्सिमम ईयर में देखिएगा तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न, मैक्सिमम ईयर में देख लीजिए काफ़ी बेहतरीन रिटर्न, 6,000 से भी अधिक का 6,600% का रिटर्न, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है ये भी। उसके बाद अगला है हमारा इसी फार्मा सेक्टर से सिप्ला, सिप्ला काफ़ी सिप्ला हो गया, लुपिन हो गया आपका, तो काफ़ी बेहतरीन सारे स्टॉक्स है ये, अब फार्मा सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें से आप 5-10 स्टॉक चुन सकते हैं, हम भी अलग अलग वीडियो में आपको फार्मा सेक्टर के बेहतरीन सब स्टॉक्स बताते रहते हैं। सिप्ला ये भी काफ़ी बेहतरीन, विप्रो के बाद दूसरा वो कंपनी है जो कि अपने इन्वेस्टर को सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है, 250
250 करोड़ का रिटर्न मात्र 10,000 के इन्वेस्टमेंट पर। अगर विप्रो में इन्वेस्ट किए रहते 500 करोड़ से अधिक का रिटर्न मिलता विप्रो में, तो 250 करोड़ का रिटर्न आपको मिलेगा सिप्ला में। तो दोनों भी स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है और ये 3-4 सालों से काफ़ी अंडर परफॉर्म रहा है, इसलिए समझिए 250 करोड़ है। नहीं तो अगर यहाँ से ये और आगे मतलब परफॉर्म करता है तो निश्चित है कि और अच्छा बेटर रिटर्न मिलेगा। तो देख लीजिए एयरटेल डेट में काफ़ी पॉजिटिव रिटर्न, 1 ईयर में देखिएगा तो भी पॉजिटिव रिटर्न, 5 ईयर्स में देखिएगा तो फ्लैट है, क्योंकि पिछले 5 सालों से फार्मा सेक्टर काफ़ी अंडर परफॉर्म था। मैक्सिमम में देखिए काफ़ी बेहतरीन रिटर्न। तो ये स्टॉक्स है जो कि लॉन्ग टाइम में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है और बोनस भी अपने इन्वेस्टर को भर भर के दिया है। उसके बाद आईटी सेक्टर से, जो आईटी सेक्टर का नंबर 1 कंपनी है, इससे पहले हमने इन्फोसिस के बताया, इन्फोसिस रिटर्न देने में 1 है, लेकिन मार्केट कैप में जो TCS है वो 1 पे है। ये भी स्टॉक देखिएगा जितने टाइम में देखिएगा, देखिए फ्लैट है 6 मंथ में, 1 ईयर में एयरटेल में देखिए फ्लैट है, लेकिन 1 ईयर में आपको ये फ्लैट दिख रहा है, लेकिन 5 ईयर्स में देखिएगा बेहतरीन रिटर्न। देखते हैं 5 ईयर्स में कितनी बेहतरीन रिटर्न है। मैक्सिमम ईयर देखिएगा तो देख लीजिए कितना बेहतरीन रिटर्न है मैक्सिमम ईयर में। तो मैक्सिमम ईयर काफ़ी पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, 1706% का रिटर्न, तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है। उसके बाद अगला स्टॉक है हमारा भारतीय, दोस्तों ये भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न, 1 ईयर मंथ में देखिएगा तो भी पॉजिटिव रिटर्न, 6 मंथ में देखिएगा तो भी पॉजिटिव रिटर्न, ईयर टिल डेट में देखिएगा तो भी पॉजिटिव रिटर्न, यहाँ पर देखिए 1 ईयर में तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न, 5 ईयर्स में देखिएगा तो भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न, मैक्सिमम ईयर में देखिएगा तो भी देखते हैं काफ़ी बेहतरीन रिटर्न। तो ये भी स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है और आने वाले समय में आप तो आप देख ही सकते हैं कि जियो और एयरटेल 2 ही कंपनियां हैं जो कि आपको इस डाटा सेक्टर में मतलब जो टेलीकॉम और डाटा का कंपनी है, मात्र 2 ही कंपनी आपको आगे देखने मिलेगा मुख्य रूप से। तो अब इनका भी बिजनेस क्या हो गया, मोनोपॉली वाला, तो अब यहाँ से प्रॉफिट ही अच्छा जनरेट करेगा, जब प्रॉफिट अच्छा जनरेट करेगा निश्चित ही कंपनी आगे काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न देगी। तो ये भी कंपनियाँ काफ़ी बेहतरीन है, तो ऐसे कंपनियों में ही आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए जब भी आपको गिरावट में मिलता है। तो उसके बाद अगला है हमारा IRCTC, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है, ये भी स्टॉक आप देखते हैं काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है। ये भी स्टॉक देखिएगा 1 मंथ में काफ़ी डाउन है, लेकिन ईयर टिल डेट में भी देखते हैं फ्लैट है, 1 ईयर में देखिएगा तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रही है ये कंपनी। इस कंपनियों के साथ प्रॉब्लम क्या है, अभी इनके पूरी तरह से जो सर्विसेज हैं, जो बिजनेस है पूरी तरह से बंद है, क्योंकि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, अभी कंपनी के जो बिजनेस है पूरी तरह से बंद है, इसलिए इसके देखते हैं प्राइस में कोई खास मोमेंटम नहीं है। ये प्राइस इसी रेंज में देखते हैं ऊपर डाउन, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, आज तो देखते हैं पूरी तरह से फ्लैट रहा है, सिर्फ 90 पैसा का गिरावट। तो कंपनी पूरी तरह से फ्लैट है यहाँ पर, अब यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट आता है या नीचे ये कंपनी डाउन जाती है तो ये तो आने वाले समय में ही देखने हमें मिलेगा। तो ये भी काफ़ी बेहतरीन शेयर है। उसके बाद अगला है हमारा एवेन्यू सुपरमार्ट, तो दोस्तों ये भी काफ़ी बेहतरीन कंपनियां हैं जो कि जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो निश्चित है कि आपको आने वाले समय में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। ये भी कंपनियां देख सकते हैं कि अभी जो रिजल्ट है इसका काफ़ी प्रभावित हुआ, तो इसमें काफ़ी गिरावट आया। नहीं तो ये भी कंपनियां नई है, मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना 3-4 साल हुआ है, लेकिन ये भी कंपनियां एक ब्लू चिप कंपनी है, क्योंकि इसका भी मार्केट कैप देखिएगा तो ये मतलब जो टॉप 10 कंपनियां हैं मार्केट कैप में, तो टॉप 10 के आसपास, टॉप 15 में तो ज़रूर आती है, टॉप 15 में समझ लीजिए ये कंपनी आती है मार्केट कैपिटलाइजेशन में। तो ये भी कंपनियां काफ़ी बेहतरीन, इसके भी बिजनेस पूरी तरह से एस्टेब्लिश है जो कि प्रभावित होने वाला खास नहीं है, इस पैंडमिक में है, लेकिन आने वाले समय में ये बिजनेस पूरी तरह से परफॉर्म करने वाली है। मैक्सिमम ईयर का चार्ट देखिएगा कितना बेहतरीन है, और मैक्सिमम ईयर में ये तो लिस्टिंग हुआ है 2017 में, तो 2017 से देखते हैं लगातार अपने इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिटर्न दिया है, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, ऐसे ही स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि इसी तरह के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।